हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि डो में हम कलर किस तरह से मिक्स कर सकते हैं और कौन से कलर हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसमें मैं यूज़ करूंगी फूड कलर्स जो हमें इजीली अवेलेबल हैं। साथ हमें चाहिए पेट्रोलियम जेली। डो को ओपन करने से पहले हम अपने हाथों पे पेट्रोलियम जेली अच्छी तरह से लगाएंगे। इसको लगाने का मकसद है कि डो हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। अब हमें जितनी डो रिक्वायर्ड है हम वो निकालेंगे और इसके अंदर हम फूड कलर, जिस कलर का भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। अगर हमें लाइट कलर चाहिए तो हम इसमें थोड़ा कलर मिक्स करेंगे। अगर हमें ये डार्क कलर चाहिए तो हम इसमें जो फूड कलर है उसकी मकदार बढ़ा देंगे। वो क्वान्टिटी जितनी हम बढ़ाते जाएंगे डो का कलर उतना डार्क होता जाएगा। जितना डार्क कलर हमें रिक्वायर्ड है उतना फूड कलर इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसमें कोई लम्प्स नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। हमारी डो रेडी है। नाउ सेकंड मेथड, हम फूड कलर्स की बजाय यहाँ पे पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रा लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो ये ईजिली डो में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और डो का टेक्स्चर भी बहुत अच्छा रहता है। हम डो की रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेंगे और उसके अंदर जो पोस्टर कलर है वो हम मिक्स करते जाएंगे। ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने फूड कलर ऐड किया है। जितना हमें डार्क कलर चाहिए हम इसमें पोस्टर कलर उतना ज़्यादा ऐड करेंगे। जितना हम ऐड करते जाएंगे उतना ज़्यादा इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा, उतना डार्क होता जाएगा। हमारी डो ऑलमोस्ट रेडी है। क्योंकि मुझे ज़रा डार्क कलर की चाहिए इसलिए मैं इसमें और पोस्टर कलर ऐड कर रही हूँ। देखें ये रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।